नमस्कार दोस्तों, एकेडमी आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एलसीएम एससीएफ की अगली वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पर आधारित प्रश्न देखेंगे। देखिए, यदि हम बात करें इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का मौसम 16 तथा उनका लौसा 160 है, यदि एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे मौसम दिया हुआ है संख्या का 16 और लौसा दिया हुआ है, यानी एससीएफ 16 दिया हुआ है, एलसीएम 160 दिया हुआ है और कह रहा है इसमें से एक संख्या जो है 32 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम बात करें यदि दूसरी संख्या की, तो जब हमको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है और बराबर लौसा गुणे मौसा होता है, तो पहली संख्या हमको मान लीजिए दी हुई है 32 और गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है एक्स मान लेंगे, और बराबर एलसीएम गुणे एससीएफ 160, एलसीएम गुणे एससीएफ 16 है, इतना कर लेंगे। देखिए, हम फार्मूला पहली वीडियो में बता चुके हैं इसका, और यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें तो 16 दूना के 32 और 2 से काटेंगे 160 तो 80 बार में कटेगा, तो यहाँ एक्स बराबर क्या होगा, 80 होगा। ये हमारी क्या होगी संख्या, हमारी मिल जाएगी दूसरी संख्या, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी 80, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आपको इतना भी लगाने की जरूरत नहीं है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन कहे यदि दो संख्याओं का मौसा दे दे और लौसा दे दे, तो आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है इसके अपने लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है, और इनमें से एक संख्या की बात करें आपको तो सीधा सीधा इस यहीं पे डिवाइड कर लेंगे हम, 16 से 32 काटेंगे दो बार में कट जाएगा और 2 से यहाँ 160 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 80। यहीं पे आप क्वेश्चन देखेंगे और आप ऑप्शन देख के और मार सकते हैं इसको और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इसी टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का मौसा 144, मौसा 144 तथा उनका लौसा 864 है, यदि एक संख्या इसमें से 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ से 144 से आप 288 को डिवाइड कर सकते हैं संख्या को, तो 144 दूना 288 होता है और 2 से क्या होगा, 864 को यदि हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूना के 4, 432 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहीं पर सही हो जाएगा, ठीक है। मगर देखिए, आपको हम करके दिखा रहे हैं, पहली संख्या दिया हुआ है 288 गुणे दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, पूछ रहा है, और बराबर में एलसीएम गुणे एससीएफ 864 एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे, और एससीएफ की बात करें तो 144 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 144 से यदि हम डिवाइड करें 288 को तो दो बार में कट जाएगा, 144 दूना 288, और 2 से डिवाइड करें इसको 864 को तो 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूना के 4, एक्स बराबर क्या आएगा, 432। हम क्या है, दूसरी संख्या एक्स माने थे, हमारा क्या आएगा, 432, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर इसको कर सकते हैं, आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इतना तो कोई भी कर सकता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप का, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 संबंधे 4 है तथा उनका मौसा 5 है, तो लौसा व संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है तथा उनका एससीएफ की बात कर रहा है, यानी मौसा का जो 5 है, तो लौसा पूछ रहा है और संख्याएँ पूछ रहा है, कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए, जो मौसा होता है, ये संख्याओं के अनुपात में यदि मौसा से गुणा किया जाए तो क्या है, संख्याएं हमको प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा अनुपात क्या है संख्याओं का, 3:4, ठीक है। अब इसमें मौसा जो हमारा 5 है, इसका यदि गुणा कर दें हम, तो 3 का यदि गुणा 5 में करें तो 5 3 15 एक संख्या हो गई, और 4 में यदि 5 का गुणा करें तो 5 4 20, ये हमारा क्या हो गई, संख्या हो गई, एक संख्या 15 हो गई, एक संख्या 20 हो गई। यदि इससे हमसे बात करें, हमें एलसीएम की बात करें, यदि कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 15 और 20 का एलसीएम निकालना हो यदि, तो 20 दूना के 40, बड़ी वाली संख्या लेंगे और इसका क्या है, अपवर्त विधि द्वारा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 दूना के 40 15 से नहीं कटेगा, 20 3 60 जो है 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं मतलब इससे समझ में आ रहा है, वो ऐसे भी कर सकता है, मान लीजिए भाग विधि से 15 और 20, तो काटेगा 2 से तो 15 नहीं कटेगा, 20 10 बार में, इसके बाद 2 से 15 नहीं कटेगा, यहाँ पे 5 बार में कटेगा 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे देखिए 3 से काट लेते हैं, 3 5 15 और 5, ठीक है, यहाँ पे 5 से काटेंगे एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम की यदि हम बात करें, एलसीएम 2 × 2 × 3 × 5, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 12 12 25 60, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है।
और यहीं पे देखिए ऐसे भी आप कर सकते थे, आपको जब संख्या पता हो गई तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 15 गुणे 20 और बराबर एलसीएम नहीं पता एक्स मान लेंगे और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 5 दिया हुआ है, ऐसे आप डिवाइड करें 5 × 3 = 15 और 20 × 3 = 60। यहाँ पे देखिए एक्स बराबर 60 आ गया, ये भी तरीका है आपका एलसीएम निकालने का, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप अपवर्त विधि द्वारा, ऐसे भी कर सकते हैं बड़ी वाली संख्या का क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे और जो जो कॉमन संख्या आएगी सबसे छोटी जो दोनों से डिवाइड होगी वो क्या होगी, हमारी एलसीएम हो जाएगी। और ऐसे विभाग विधि से भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे करिए। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात हमको दे दिया है तथा उनका मशक 8 है, ठीक है, इसका एचसीएफ भी दे दिया 8, तो लसक याद कीजिए यानी एलसीएम पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे जब मशक का संख्याओं के अनुपात में गुणा करेंगे तो हमारा क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40, दो संख्याएँ प्राप्त हो गई हमको। और कह रहा है कि एलसीएम याद कीजिए, तो एलसीएम जो होता है, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यहाँ पहली और दूसरी संख्या हमको आ गई है 32 और 40, इन दोनों का गुणनफल जो है यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, एलसीएम को नहीं पता एक्स मान लेंगे और यहाँ पे एचसीएफ हमको पता है 8, तो इसे डिवाइड कर देंगे 8 × 5 = 40 और 5 से 32 में गुणा करेंगे जब, तो एक्स बराबर क्या आएगा 5 × 2 = 10, 5 × 15 = 16, 160, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 160 आ गया, ठीक है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अगला टाइप देखेंगे हम लोग इसी में, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनका लसक, यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया हुआ है 120 है, तो मशक याद कीजिए यानी एचसीएफ की बात कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया हुआ है 5:3 और कह रहा है उनका एलसीएम जो है लसक 120 है, तो मशक याद कीजिए, तो जब हम मशक याद करेंगे तो देखिए मशक बराबर होता है मशक बराबर लसक यानी एलसीएम बटा दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, ठीक है, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा सीधा आप समझिए कि जब ऐसी ऐसा कंडीशन आपको क्वेश्चन में देगा कि दो संख्याओं का अनुपात दे देगा, जैसे यहाँ पे 5:3 दिया हुआ है तथा उनका लसक की बात कर रहा है, यदि उनका लसक दिया हुआ है 120 और मशक जब पूछेगा आपसे तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एलसीएम 120 है, एलसीएम लिखेंगे 120 और बटा में दोनों अनुपातों का गुणा कर लेंगे, 5 × 3 = 15, तो 15 इससे भाग देने क्या आएगा हमारा 15 × 120 8 आएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा मशक आएगा, ठीक है, इतना आपको करना है। ये तो हम बता रहे थे आपको समझने के लिए कि दो लसक बटा दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं के जो अनुपात दिए हुए हैं इनका गुणनफल कर लिए हैं और गुणा करके और इनसे क्या किए हैं भाग दे दिए हैं लसक में, मगर यहीं पे जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे अनुपातों का, तो 5 × 3 = 15 और 15 से 120 में भाग दे देंगे, जो भी आपका एलसीएम दिया रहेगा उसमें भाग दे देंगे जब अनुपात के गुणनफल से, तो हमारा क्या मशक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जब मशक प्राप्त हो जाएगा और आपसे यदि संख्या की बात करें तो क्या करेंगे, इसी मशक से इन संख्या के अनुपात में गुणा कर देंगे, तो 8 × 5 = 40, एक संख्या हमारी 40 हो जाएगी और 8 × 3 = 24, एक संख्या 24 हो जाएगी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें बड़ी संख्या या छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 24 हो जाएगी, बड़ी संख्या 40, यदि दोनों संख्याओं का योग या अंतर पूछे तो योग पूछेगा तो 40 × 20 = 60 × 4 = 64 हो जाएगा, यदि अंतर की बात करें तो 40 में से 24 माइनस कर लेंगे तो 16 हमारा क्या होगा अंतर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात जो है 2 × 3 = 4 है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, यहाँ पे लसा यानी एलसीएम की बात कर रहा है कि 1200 है, तो मौसा व संख्याएं ज्ञात कीजिए, मौसा भी पूछ रहा है और संख्या भी पूछ रहा है, ठीक है, मौसा व संख्या दोनों पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम आपसे कहे थे कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो जो अनुपात होता है उसका गुणनफल करेंगे यानी गुणा करेंगे अनुपातों का और एलसीएम में भाग दे देंगे उससे, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 1200 दिया हुआ है, 1200 और बटा में 2 × 3 × 4 करेंगे, 4 × 3 = 12 × 24 आ जाएगा 24, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा मशक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, मशक यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा।
तो 12 दूना के 24 और 12 एक कम 12 100 और 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो मौसा हमारा 50 आ गया। यदि बात करें हम संख्याओं का तो मौसा तो हमारा निकल गया है। अब हम संख्याओं की बात करें तो संख्या भी बताना है मुझको। तो पहली संख्या क्या थी, 2, दूसरी 3 और 4, अनुपात ऐसे था इसका। तो क्या हो जाएगा इसमें, पहली संख्या हम 50 से गुणा करेंगे, दूसरी संख्या में 50 से गुणा करेंगे अनुपात में, और तीसरे अनुपात में भी 50 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 50 दुना के 100, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या 100 आ गई। दूसरी संख्या की बात करें तो 5 3 15 150, और तीसरी संख्या की बात करें तो 4 5 20 200। ये हमारी क्या है, तीनों संख्याएँ प्राप्त हो गई। देखिए इसमें हम अगली टाइप देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 5 है, यहाँ पे SCF दिया हुआ है, और कह रहा है यदि संख्याओं का योग, यानी योग की बात कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योग जो है 60 होए तो संख्या क्या होगी, संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए हम आपको कहे थे कि जो संख्याओं का अनुपात होता है वो संख्याओं के अनुपात में यदि SCF से हम गुणा कर दें मौसा से तो हमको संख्याएँ प्राप्त हो जाती हैं। तो मान लेंगे माना संख्या यक्स व वाई है। तो यहाँ पे यदि हम इसमें SCF से गुणा कर दें यदि, तो 5 यक्स और योग की बात कर रहा था कि योग 60 है, तो प्लस कर देंगे 5 वाई बराबर कितना है, 60 है। यहाँ पे देखिए दोनों में 5 कामन हमको दिख रहा है, तो 5 कामन कर लेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो यक्स प्लस वाई बराबर 60 बटा 5, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 12, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पे योग की बात कर रहा था कि दोनों संख्याओं का योग जो है 60 है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब जो ये संख्या आई है हमारी, इसका क्या करेंगे, अब दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे जिनको योग की बात कर रहा है, तो जोड़ने पर 12 आना चाहिए, तो एक हमारा क्या बनेगा, एक एक और 11 बनेगा, इन दोनों को जोड़ने पर 12 आ सकता है। फिर 2 और 10 बनेगा, 10 दो 12 हो सकता है। अगर तीसरी की बात करें यदि हम, तो क्या हो जाएगा, 3 और 9 बनेगा। चौथी की अगर बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, 8 4 यानी 4 और 8 बनेगा। इसके बाद यदि बात करें तो 5 और 7 बनेगा, ठीक है। इसके बाद 6 और 6 बनेगा। इसके बाद यदि हम जाएंगे 7 5 12, फिर से अगर आगे जाएंगे तो संख्याएं एक दूसरे को क्या करने लगेंगी, दोहराने लगेंगी। तो संख्याओं, ऐसी संख्याओं को लेना है जो एक दूसरे को रिपीट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए इसमें एक कंडीशन होता है, ऐसी संख्याओं को लेना होता है जिसका मौसा हमेशा एक हो, यानी अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका मौसा हमेशा एक होता है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऐसी संख्या को लेना है जिसका मौसा हमेशा एक हो। तो देखिए यहाँ पे यदि मौसा एक की बात करें तो यहाँ पे 2 से 10 कट जाएगा, इसका मौसा 2 हो जाएगा, ये होगी नहीं। यहाँ पे 3 से 9 कट जाएगा, इसका मौसा 1 होगा नहीं। 4 से 8 कटेगा, ये भी नहीं होगा। 7 और 5 का मौसा क्या हो सकता है, देखिए मौसा निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का अंतर वाला बताए थे आपको, 5 और 7 का यदि अंतर देखें तो 2 आएगा, और 2 का 2 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी तो इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 2 गुणे 1 करेंगे यदि, तो क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे समझने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी, यहाँ पे इसको हम समझा दे रहे हैं। देखिए 5 और 7 है, ठीक है। यहाँ पे 6 और 6 को भी देख लीजिए, 6 और 6 को देखें तो ये भी नहीं होगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी 6 ही मौसा हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 मौसा हो जाएगा, इसका 2 मौसा हो जाएगा। यानी मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दें। तो यहाँ पे 2 है सबसे बड़ी संख्या जो 2 को भी काटेगी और 10 को भी काटेगी, 3 है 3 को भी काटेगी, 9 को भी काटेगी, 4 है 4 को भी काटेगी, 8 को भी काटेगी, 6 है 6 को काटेगी, खुद को काट लेगी। तो ये क्या है, ये नहीं हो सकते हैं जिसका मौसा एक होगा। देखिए यहाँ पे यदि हम इसके अंतर की बात करें तो 2 आएगा, और 2 इन दोनों संख्याओं को नहीं विभाजित करेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का खंड करेंगे 2 का, ठीक है। तो 2 गुणे 1 यदि करेंगे तो 2 एक कम 2 आएगा, और SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। तो 2 इसमें बड़ी संख्या है, 2 से काटेंगे तो दोनों नहीं कटेगा, तो एक ही एक ऐसी संख्या बच रही है जो 5 को भी विभाजित करेगी, 7 को भी विभाजित करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो सकता है, क्योंकि इसका SCF क्या है, 1 आ रहा है। यहाँ 1 और 11 की बात करें तो इस ये भी सही है, इस ये भी आ सकता है। तो जो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, जो आपको ऑप्शन देगा वह इस क्या होगी, हमारी सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 7 और 5 की बात करें यदि, ठीक है, तो 7 5 जोड़ने पे क्या आएगा, 12 आएगा। तो
तो हम देखेंगे कि 7 और 5 जिसका एचसीएफ इसमें 5 आएगा, ठीक है, इन ऑप्शन में जिसका एचसीएफ 5 आएगा वो क्या होगी, हमारी संख्या वही सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर यदि हम करें, यहाँ पे अंतर यदि हम करें तो 20 और 40 का अंतर यदि हम करें तो 20 आएगा, तो 20 से 20 भी घटेगा, 40 भी घटेगा, यानी ये होगा नहीं। 15 और 45 की बात करें तो इसका अगर हम अंतर करें तो क्या आ जाएगा, 30 होगा, यानी 30 से 15 नहीं कटेगा, यानी इसका खंड करेंगे तो 15 और 2 होगा, 15 दुना के 30, तो 15 से 15 भी कटेगा और 45 भी कटेगा, यानी इनका एस सी एफ क्या होगा, 15 होगा, यह भी नहीं होगी। यदि 30 और 90 की बात करें, 30 तिहाई 90 तो सीधे सीधे कट रहा है, यह भी नहीं होगा। 25 और 35 की बात करें तो दोनों का अंतर यदि हम करेंगे तो 10 आएगा, और 10 से 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, यानी इन दोनों संख्याओं का इस 10 का हम क्या करें, खंड करें, तो क्या होगा, 5 दुना के 10, और बड़ी संख्या पहले हमको लेना है, तो 5 से काटेंगे तो 5 25 भी कटेगा और 35 भी कटेगा, यानी इसका एचसीएफ क्या है, 5 आ रहा है, यानी ये संख्या हमारी सही है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा था, इन दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो संख्या क्या होगी, तो 25 और 35 होगी, ठीक है। देखिए इसमें यदि बात करें, इतना हम क्यों किए हैं, इसको समझाने का हमारा मतलब ये था कि यहाँ पे देखिए ए और ए पेयर, यही संख्याएं बन सकती हैं, तो ठीक है, यदि ये संख्याओं का पेयर है, अनुपात है यदि ये संख्याओं का 7 और 5 और यहाँ पे 1 और 11, तो मौसम से यदि इनमें गुणा करने पर संख्याएं हमको प्राप्त हो सकती हैं। तो देखिए यदि 5 में 1 से 1 में 5 से गुणा करें तो 5 एकम 5, और 5 से 11 में गुणा करें तो 11 55 आएगा, तो ये दो संख्याएं हो सकती हैं, यदि ऑप्शन में ये दोनों मिल रही हैं यदि, क्योंकि इसका भी मौसा क्या है, 5 आएगा, तो यदि ये संख्याएं ऑप्शन में मिलेंगी तो ये भी सही हो सकती हैं। यदि ये बन रही हैं संख्याएं, तो देखें यदि इसको हम, तो क्या होगा, 5 25 25 एस सी एफ से गुणा कर रहे हैं इसमें संख्याओं में, तो एस सी एफ 5 था, तो 5 25 25 और 5 7 35, यदि ऑप्शन में ए आपको मिले तो ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे हमको ये ऑप्शन में ए मिल रहा है, मगर आपको इतना करने की ज़रूरत क्या है, यदि ऑप्शन से ही सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन, तो देखिए जब मौसा दे देगा हमको, ठीक है, जब क्वेश्चन में मौसा दे देगा और क्या है, हमको ऑप्शन दिया रहेगा, देखिए एग्जाम में हमेशा आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, तो यदि और योग की बात कर रहा है कि 60 आएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे कि ऑप्शन में देखेंगे किसका मौसा 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मौसा निकालें तो इसका 20 आया है, क्योंकि 20 से 40 कट जाएगा, ठीक है, 15 से 45 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, 30 से 90 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी जो छोटी संख्या आप, जो संख्याओं में छोटी संख्या होती है यदि सबको विभाजित कर देती है तो वही छोटी संख्या क्या होती है, हमारा एचसीएफ हो जाती है। तो यहाँ पे 30 से 90 कटेगा, 30 एचसीएफ हो जाएगी, 15 से 45 कटेगा तो 15 एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ 20 से 40 कटेगी तो 20 एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे 25 है तो 25 से 35 कटेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे ना, तो दोनों का अंतर करेंगे, और जो अंतर आता है, यदि अंतर से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो ये अंतर ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। मगर यहाँ पे देखिए जब नहीं कटेगा तो 10 से 25 35 नहीं कटेगा, तो हम क्या किए, इसका दो खंड किए, 5 दुना के 10, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या पहले लेंगे, क्योंकि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो 5 से 25 भी कट गया और 35 भी कट गया, तो हमारा 5 एचसीएफ हो गया, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन की बात करें दी हम, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है आपसे, जैसे कभी पूछता तो नहीं है मगर पूछ सकता है, इसलिए हम आप इसको इम्पोर्टेंट समझें तब इसको लिए हैं, ताकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा और बाद में शिकायत करेंगे कि ये तो नहीं लग रहा है ऐसे। तो देखिए दो संख्याओं का मौसा 4 है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्याओं का मौसा 4 है, उनका अंतर 24 है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 24 दे दिया है, तो कितने जोड़े संख्याओं के संभव, यानी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितनी संख्याएँ हो सकती हैं ऐसी जिनका मौसा 4 हो और अंतर 24 हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो मान लीजिए संख्याएं ए और बी है, या एक्स वाई मान लीजिए, देखिए एक्स वाई पे बता रहे हैं, तो एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई है, यदि मौसा का इसमें संख्याओं में गुणा किया जाए, मौसा का संख्याओं में अंतर पूछ रहा है, अंतर तो अंतर किया जाए तो क्या है, हमको संख्याएँ प्राप्त हो जाएंगी, यहाँ पर दोनों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई बराबर 24/4, तो 4 × 6 = 24, एक्स माइनस वाई बराबर 6 आ गया, ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 6 आया है। तो इसका पेयर जब हम बनाएंगे तो तब ना पता चलेगा कि कितने ऐसे जोड़े संभव हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, ऐसा जोड़ा बनाना है कि घटाने पे क्या है, 6 प्राप्त हो। तो देखिए यदि 6 हमको प्राप्त करना हो तो 7 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको 6 मिलेगा, 10 में से क्या है 4 माइनस करेंगे तो हमको 6 मिलेगा।
ऐसे ही आप बनाते जाएंगे अंतर वाले पे, तो आपको अनंत तक बनाना पड़ेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका जोड़ा बनाना संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, अनंत यानी इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। तो आपको ऐसे जब भी क्वेश्चन दिख जाए कि उसका मौसा दिया और अंतर दिया हो और पूछे कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो इन्फिनिटिव आप मारेंगे या ऑप्शन में नॉन अफदीज होगा तो नॉन अफदीज मारेंगे आप, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे कोई भी जोड़े संभव नहीं होंगे, क्योंकि अनंत तक ऐसी संख्याएँ जाएंगी जिसमें से घटाते जाएंगे और 6 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और जो भी बचा है हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे।